सतगुरु शिव बाबा द्वारा श्रीमंत जो श्रीमंत आधार आम जगू से मनमत परमत जनमत और शास्त्र मत पर चिंतन संशय बुद्धि निज भितर मिथ्या
सच्चाई जीवन नाई से माया निजर बनता परास्त करदेव ये सब लक्षण आम भर अच्छे ना कौन कह बाबा तो बाबा तो से सच्चाई रास्तार दूसरा प्रश्न किन बच्चों के लिए माया चुंबक है चुंबक आकर्षण कर तो बाबा के वो पिला मन को पाए माया चुंबक है वो पिला मन को माया आकर्षण कर तो बाबा कही जो माया की खूबसूरती के तरफ आकर्षित तो हो जाते उन्हों के लिए माया चुंबक है श्री मत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे बाबा बोले माया र सुंदरता द्वारा जो मैंने आकर्षित अर्थात जो आत्मा स्थिति लुहा समान अच्छे तमो प्रधान स्थिति वाला से माया कौन कर आकर्षित कर माया चुंबक कटे तो बाबा कुछ श्रीमत प्रमाण जो मैंने चालू चलते जार अवस्था सदु प्रधान पर्यंत पहुंचे गला से माया के बेबे आकर्षित कर मायार स्वरूप वर्तमान कमी कर मोहिनी रूप बहुत सुंदर रूप तो बाबा कुछ से माया को चिन्ह आ माया को मुक्त उपशांति रूहानी बाबा बे रूहानी बच्चों को समझाते यह तो बच्चों ने निश्चय किया कि रूहानी बाबा हम रूहानी बच्चों को पढ़ाता है तरीके का को बच्चों को रोज चलते आत्मिक पिता आत्मिक संतान निश्चय बुद्धि भी बनी रहते जैसे बाबा बच्चों को रोज चलते जिसके लिए ही तो गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहु का सुंदर मेला कर दिया जब सत गुरु मिला था से समय रो गायन को प्रकार होचे संगम जुग रहता होचे जो कि आत्मा मात्र मिलन होचे ना से तो परमात्मा सहित मूल बदन में अलग तो नहीं रहते हैं जितना सब आत्मा माने परम धाम भरे थे बाबा से तो मिसे के थे बाबा तो अलग ही थे कि ना कितना अलग है वहां तो सब इकट्ठे रहते हैं अलग रहते हैं तो जरूर आत्मा ही वहां से बिछुड़ती है आत्मा माने बाबा तो कितना अलग है जितना बाबा तो अलग है जितना साकार सृष्टि वासी है निजर पार्ट को प्ले कर दिया पाए सदमे आत्मा मन बाबा तो अलग है जो तो बाबा की आकर के अपना अपना पार्ट बजा दे हो तो सदो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनते प्रथम अस्तित्व को प्रकार अवस्था थी सदो प्रधान अवस्था एवं तौर को खसी गले तमो प्रधान बनी गले बुलाते हो पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ तो बाबा भी कहते हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं बाबा को अधा कर पत्र के लेके चले हे पतित पावन हम पवित्र बने थे तो बाबा के तरह आश्रम थे 5000 वर्ष पर संगम समय है यह सृष्टि का चक्र के 5000 वर्ष का है आगे तुम यह नहीं जानते थे पूरा सृष्टि का आयुष्य 5000 वर्ष है आगे जानते थे कि आगे कौन होते थे सब
लक्ष्य लक्ष्य वर्ष तो शिव बाबा समझाते तो कैसे समझाए। बाबा तो आपको बुझो किंतु बाबा ज्योतिर्विंद केमिति बुझेगा जरु कोई तन द्वारा ही समझाए। आम पिला मानक बुझेबार पाई बाबा शरीर आधार नौ तन आधार ने ऊपर से कोई आवास तो नहीं करते। ऊपर बस के बाबा आकाशवाणी कर बाबा को आशीर्वाद कर तो बाबा की शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। बाबा प्रेरणा दो ना उनसे शक्ति का कथा नहीं। परमात्मा साधारण स्वरूप कौन प्राश्रम दे पिला पाठ पढ़ेगा तो बाबा की तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती होना। वैसे बाबा भी कहते मैं भी शरीर द्वारा ही डायरेक्शन देता हूँ। जिनके में आत्मा माने शरीर माध्यम रे कथा वार्ता होशन शक्ति बाबा भी ब्रह्मा बाबा रे रथ द्वारा हम पिला को निर्देश तो चलते फिर उस पर जो जितना चलते उतना ही अपना कल्याण करते। बाबा रे मतों अनुसार जो आत्मा जितनी की चले वह शक्ति की तरह कल्याण हो तो श्रीमत पर चले वह ना चले टीचर की सुने वह ना सुने यह तो अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हो। तो बाबा के श्रीमत प्रमाण चले वह कि न चले टीचर कथा सुने वह कि न सुने तादर निजर ही कल्याण करच आ निजर ही अकल्याण करच। श्रीमत पर नहीं चले तो अकल्याण होगा नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। बाबा तो पाठ पढ़ा में आश्रम आम जब पढ़ी बनी तले कौन हम हेली जीवन तो बाबा के फेल होंगे। यह भी समझाते रहते शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को भी सिखलाना है। बाबा द्वारा सीखी बार अन्य को सीखे बार फादर सोच सन जिस्मानी फादर की बात नहीं है इटी कुछ शारीरिक पिता का कथा ना इटी को पिता बोलो चुनते हैं को निराकारी पिता। यह तो रूहानी बाप है यह भी तुम समझते हो। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाए जति कि बाबा मत अनुसार चलेबर श्रीमत प्रमाण चलेबर सेति कि बाबा कर संपत्ति मिले पारे पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो मैंने पूरा श्रीमत प्रमाण चालू चलते मनसा वाचा कर्मणा बाबा श्रीमत अनुसार चालू चल से मन को उच्च पद मिले और जो मन चाली में ने मिले बन तो बाबा तो कहते मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप भी कट जाए। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़ा हुआ है। ये रावण राज्य रे आत्मा पर बहुत पाप चढ़ रहे हैं से पाप सब भस्म कर देगा। बाबा रे याद द्वारा विकारों में जाने से ही पाप आत्मा बनते हो। पुण्य आत्मा पाप आत्मा जरूर होते हैं। जब विकार प्रस्त ही कर ले जब आत्मा पाप आत्मा बनेगा पुण्य आत्मा अब पाप आत्मा चलते तो पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्मा क्या करेंगे। अरे पुण्य आत्मा सब किए थे देवी देवता थे जो पुण्य आत्मा मन का सामना रे पापी आत्मा मन कौन कौन चलते नतमस्तक हो चलते। तो बाबा के भी माथा टेकती है
मनुष्य को यह पता भी नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा के वही वो कहाँ पर है। देवी देवता मन रहते महिमा पुरुषों से सेवन पुण्य आत्मा थे किन्तु सेवन वर्तमान में पूज्य अच्छा जड़ मूर्ति को पूजा कर ले सेवन पूज्य अच्छा वही फिर पुनः जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। जो पुण्य आत्मा माने पुनः जन्म चक्र भीतर ऐसी के पाप आत्मा बने गए वो तो समझते हो ये सदैव पुण्य आत्मा है। तो बाबा समझाते पुनः जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते बाबा फिर पुनः जन्म चक्र भीतर ऐसी ऐसी अबे सतो प्रधान अवस्था रो गोटे पहुंची गले तमो प्रधान अवस्था को जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते तो फिर बाबा को बुलाते जब पूरा पाप आत्मा बने आत्मा भीतर कौन सी शक्ति रहला कौन सी कला रहला जब कार को डाकेले बाबा को डाकेले जब पुण्य आत्मा के तो याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। यह तुम बच्चों को समझाना है और सर्विस करनी है। बाबा के समुझे तो रहस्य के मुझे बार अच्छे हमें पिल्ला ना आमों को सेवा करी बार अच्छे बाबा तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे बाबा हम पिल्ला मन को पूछे कर बाबा सबुठी जीवे की पूछे हैं कल के पूछे हैं पिल्ला मन ने पूछे हैं बच्चे सर्विस करने लायक है तो बच्चों को ही जाना चाहिए। पिल्ला मन ने जो दे सेवा करी बने सेवा पे योग्य के कर ले तेरे बाबा का सेवा पाए हम पिल्ला मन को जीवा रचे। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते ही जाते हैं। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में देरी भी नहीं करते हैं। आज मनुष्य अवस्था दिनों को दिन आसुरी गुण युक्त है असुर बने असुर निशाने कोटे कोटे एवं बाबा करले कौन करेगा कौन करेगा। तो बाबा की पहचान ना होने के कारण बकवास करने में देरी नहीं करती है। बाबा के वाचा द्वारा जना पड़े जीव शब्द द्वारा जना पड़े जीव से असुर ना देवता बोल रो महत्व अच्छे। तो बाबा कहे मनुष्य के ते गीता का भगवान श्री कृष्ण है। अरे प्रभु तेरे गीता का ध्यान श्री कृष्ण के बस में थे ले ते बस में थे भगवान जो ने भगवान जो ने श्री कृष्ण सुने थे ले के सुने थे शिव बाबा सुने थे ले को समय सुने थे ले संगम जगह है। तो बाबा के तुम समझाते हो वो तो देवधारी है उनको देवता कहा जाता। श्री कृष्ण की अटंते शरीर धारी अटंते देवता अटंते श्री कृष्ण को बाप तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण को समस्त पिता बोले कहिबे के कहिबे जरा शरीर अच्छे तब समस्त पिता कहिबे। तो बाबा की यह तो सब फादर को याद करते है ना। आज सारा संसार आत्मा मने कहाँ मन को चलते पिता को मने को चलते जब भगवान न चलते आत्माओं का फादर दूसरा कोई होता नहीं। जब प्रत्येक आत्मा मन पर पिता से तो जोड़े कर लो आओ के पर रिवेल यह प्रजा पिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकर फादर को याद करना। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी पूछन और पूछते मत्ति मन पका मु संपत्ति देवे का मन पका शिव बाबा को मन पका। यह कॉर्पोरियल फादर हो जाए ब्रह्मा बाबा भी साकारी पिता निराकारी पिता के शिव बाबा समझाया तो बहुत ज्यादा है कोई पूरा ना समझ कर
भाई जंगल में जाकर पढ़ते हैं। बाबा तो रास्ता बताता है स्वर्ग में जाने का। दिजनों सांग जाओ तुम्हें रास्ता दे जदि कथा वार्ता करी करी जीव परचिंतन प्रदर्शन करी करी जीव तले लक्ष्य स्थल पर पहुंचिबे कि वो गली भीतर फसी जीव उल्टा रास्ता रे जीव जंगल भीतर को चले जीव। तो बाबा की समझाए तो बुद्ध जाता है कोई पूरा ना समझ कर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पढ़ते हैं। तले जंगल को जा कंटर जंगल अटे। तो बाबा की बाबा तो रास्ता बताता है ना स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ ही चले जाते हैं। बाबा तो रास्ता बतो चलते फूलों बगीचा को जीवा पाए स्वर्ग को जीवा पाए, किंतु पिला मैंने उल्टा रास्ता धरवा कारण रो उल्टा मत अनुसार चलवा कारण रो बाबा रो ज्ञान को पूरा न बुझीवा कारण रो कोठी पहुंची गले जंगल रे। तो बाबा समझाते तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला कौन है? जंगल तो बाबा बोले के रावण के तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, फिर उस जंगल के कांटा बन जाते हो। सच्चा रास्ता भूली गले, सीधा रास्ता को भूली गले, जंगल रे पहुंचे गले। असे जंगल दुख दबा गला निज को कंटा बने दे, कंटा कौन पड़छे दुख का दोचे ना। तो बाबा की वो फिर स्वर्ग में देरी में आए, जे तो रास्ता भटके गले को गली भीतर फसे गले त लक्ष्य स्थल तो पहुंचले त स्वर्ग रे के तो आसीबे लेट रास। बाबा सब निशा ने को चंदा ना चंद्रवंशी आत्मानंद। तो बाबा की यहाँ तुम आए हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करो, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहे। हम इतने आश्चर्य थे स्वर्ग को जीवा पे पुरुषार्थ कर दिया, त्रेतिया युग को बाबा स्वर्ग बोली को ना थे कौन पे आत्मा के कला कम ही कला 25 वर्ष कम हो गया। पूरा दुनिया रो 25% पूर्णा नहीं गला, स्वर्ग भी पूर्णा नहीं गला। तले सेठ आसीब कि आसीब ये भी आसीब लक्ष्य कोटे आज सूर्य वंशी आसीब है ना। तो बाबा की तुम यहाँ पर आए हो पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में जाने, त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, नापास वहां चले जाते क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं है। बाबा के जो पिल्ला मैंने फेल है बे नापास है बे चमन ठीक रास्ता को धर ले चमन कोठे चले गए ले कंटारा जंगल तो स्थिति कौन होगा तोड़ो पर हवा कर तो चमन स्वर्ग दुनिया का आसीब। तो बाबा की तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए ना वो नहीं रहती है। प्रत्येक पिल्ला में अनुभव पोषण जितनी की बाबा को मने को के बाद अगर वो सिद्धि की मन को पोचे के निजे याद ना चाट रहे निजे संतुष्ट के संतुष्ट वो जितनी कर चुके बस बेल रहते के। तो बाबा कहे स्वर्गवासी जो बनते उनको कहेंगे अच्छे पास, जो मैंने सत्य जुग में आसीबे जीवन कुआ जीव पूरा पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते। जो मैंने त्रेतिया जुग में आसीबे जीवन को बाबा कौन कहले जीवन से माया से तो युद्ध है हारी गले। तुम नर्क वासी से स्वर्ग वासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर तो मार्जिन अच्छे दुनिया का पाठ पता रहे गोटे वर्ष फेल ही गले आउ गोटे वर्ष परीक्षा दे पारे पास दे पारे, किंतु ए पाठ कले दूसरा
वर्ष पढ़ने की तो बात ही नहीं है। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, वही इम्तहान पास करते हो जो कल्प पहले किया है। ये बाजियों जी कल्प कल्पांतर है, जन्म जन्मांतर है, प्रत्येक कल्प रे जेमिति हेतिला एमे मध्य से प्रमाणक हबो। इस ड्रामा की राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। बाबा ने ड्रामा रे रहस्य को भलो ऊपर बुझीबा दरकार। जोटा अतीत रे हे गला ता पे ड्रामा शब्द को यूज करे, किंतु वर्तमान का हातर अछे, हम हातर अछे, हमें जेमिति को निर्भर सेमिति का ड्रामा बने। तो बाबा की कोई समझते हम चल नहीं सकते हैं। कितने पिल्ला बने भावु चलते कोटे मैं साधना का रास्ता है, ईश्वरीय रास्ता है, आओ चले पर तो सहारा काको बने थे, काको बने थे कौन से मनुष्य चली पर तो चिंतन चंचल मुचाली पर भी कि नो चली पर। तो बाबा की बूढ़ा है, उनको हाथ से पकड़ कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। यदि वृद्ध व्यक्ति के अच्छे तो हमें हाथ धरे के चलो चलते, यदि हाथ धरी बारे से तौर को फंसे जीवे, किंतु एटी तो के बूढ़ा बसे जानते ना। हमें एटी आसी चलते कार आधार बने के अच्छे बाबा को एक बल एक भरोसा बाबा का, जे बाबा को लेके चलेबो से लास्ट पर्यंत चले, तर संकल्प भी उठिबो उ चली बने भी ना ना। तो बाबा की परंतु तकदीर में नहीं है, तो कितना भी जोड़ देते हो फूल बनाने का परंतु बनते भी नहीं है। जरा भाग्य रहकर नहीं तब हमें जितने भी ज्ञान सुने जितने भी फोर्स करेंगे फूल बनने वाला है, इनसे बनने वाले बनने वाले। तो अक्त भी फूल होता है और ये कांटे भी चुभता है, और फूल भी फूल किंतु ताबितर की जो सुगंध है कर बाबा रा पिलावन का भीतर है, और फूल भी अच्छा है। अब ये तो जंगल रा कोंटा भी की जाऊँ बाबा को छाड़ी के कोंटा रा जंगल भीतर जाए के नीचे विभिन्न रूप हो चुनते समस्त को कोंटा कौन कर चे फोड़ माने अन्य मन को दुख दबा पाए निमित्त थे कर तेजी को माने बस चल सुगंधित फूल और फूल न कोंटा मान कोंटा बाबा सुगंधित फूल। तो बाबा कितना समझाते हैं, कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वो आज तुमको पढ़ा रहा है। जो शिवंग्र में अधा कल्प पूजा कर कितने महिमा रोचन से शिव बाबा अमुक बाजी पाठ पढ़ोचन अनुभव होचे ना ने होचे। तो हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता है, देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को भी नीचे गिरा देती है। बाबा को जो भल भल फूल मान से मन तो मत माया छड़ पूरा तल को खसे जो छे हर गुण तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेंटर कहा जाता। एक तो उल्टा रास्ता ले कर ले विकार रास्ता ले ले तो हाड़ गुड़ सब जगह पर टूटी जीव से मन को कौन कहा जीव ट्रेंटर बोली कहा जीव। आज बाबा ट्रेंटर मिसा नहीं कोच। तो बाबा ने कहा एक राजधानी छोड़कर दूसरे में चला जाता है तो उनको ट्रेंटर कहा जाता है। दुनिया में ट्रेंटर का तो कोच होता है, वो तो राजधानी रहती है, वो सब कुछ इस तो जाने आउट राजधानी को चले जाए, वैसे कौन कर लो सेट है कौन कर लो जाने छोड़ते ना। तो बाबा को सेमान हो चुके ट्रेंटर। बाबा भी कहते मेरे बनकर फिर माया के बन जाते, उनको भी ट्रेटर कहा जाता। बाबा का छत्र छाए भीतर अर्जुन बाबा साथ मिल छे अगले बाबा हाथ छाड़ के पहुंच माया का वशीभूत हो चुनते शमन को कौन कहा जाएगा ट्रेटर। उनकी चलन भी ऐसे ही हो जाती है, शमन का चाली चलन को देखी दले
जना पड़ी मैंने बाबर लिंगा कटक सब बड़े कंप्लेन सब बड़े भाव निज को राइट कर रिद कर सिद्ध कर ये सब क्वालिटी का ना ट्रेटर रा तो बाबा ने कहा अब बाबा माया से छुड़ाने आया है बच्चे के दे माया तो बड़ी दुस्तर है बाबा आश्चर्य माया को मुक्त कर आता है तो पिल्ला ने पूछ ले बाबा माया तो मैं बड़ा रूप कर रहा हूँ बड़ा दुस्तर अपनी तरफ वो तो खींच लेती है चतरे तारे तो छिम माया नीचे रखो ठानो छे केम ते ठानो छे माया माया जैसे चुंबक है ना माया चुंबक का समान आत्मा मन को टाने दो छे इस तरह चुंबक का रूप धरती है वर्तमान दुनिया का अवस्था देखो चलते ना पूरा आकर्षण रूप सेटा छे माया रो स्वरूप जो द्वारा पिल्ला मन आकर्षित हो जाऊ चलते कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है कितने आरंभ गेला ने दुनिया ना जो देखले भव्य स्वरूप आ भीतर भी पिल्ला मन फसी जाऊ चल तो बाबा के आगे बायोस्कोप आदि थोड़ी था अगर से फिल्म टीवी सब थिले कि न थिले कितने दिन ला बने छे तो बाबा के सब 100 वर्ष में निकला है बाबा तो अनुभवी है ये सब जिस तरह अनुभव कर को जब ब्रह्मा बाबा को जितने सब दुनिया का आकर्षण है जिस सब वर्ष भीतर बाहर है तो बाबा के बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए हर एक बात एक्यूरेट नोंधी हुई है 100 वर्ष में यह जैसे वरिष्ठ बन गया है ऑपोजिशन के लिए बाबा के सभी वर्ष भीतर है जिनके दुनिया स्वर्ग पार्टी जैसे ऑपोजिशन भी ठेच कहा ना बाबा ने बाबा जो स्वर्ग को निर्माण कर चलते तार ऑपोजिशन में माया की तरह स्वर्ग को तैयारी कर से तो समझा जाता अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है जितने माया के भव्य स्वरूप को देखो शब्दे जना तो पड़ोसे ना स्वर्ग जल्दी जल्दी ऐसे जो जितने दीपर सिखा ना लिपिवा को जीवो जो कैसे जोड़े जोर जोर जोड़ से तो बाबा की साइंस भी बहुत काम में आती है यह तो बहुत सुख देने वाली भी तो है ना विज्ञान बहुत काम रस तो विज्ञान कौन पड़े सुख में निमित्त थला वो सुख स्थाई हो जाए उसके लिए तो पुरानी दुनिया का विनाश भी तो होना ही है विज्ञान का सुख स्थाई बने जीवो ताकि पुरना दुनिया का विनाश भी जरूरी है सत्यु के सुख है ही भारत के भाग्य में तले सत्य युग का स्वर्गीय सुख का भाग्य रहते जीवो भारत का खातर है वो तो आदि ही बाद में है जब भक्ति मार्ग शुरू होता है जब भारतवासी गिरते तब दूसरे धर्म वाले नंबर वन आते हैं अन्य धर्म वाले के तो ऐसे ले जितन भक्ति का आरंभ है देवी देवता वाले बामो मार्ग को चले गए भारतवासी पूरा तोड़ को फंसे गए सिद्धों अन्य धर्म स्थापक माने ऐसे चल भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है भारत तो पूरा तड़ को फंसे के आज कोटी पड़े वाला पट रासी के पड़े ला फिर चढ़ना है यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं बाबा के एठी भी चढ़ो चढ़ते आखिर तड़ को फंस चढ़ते कितना गिरते हो बात मत पूछ बाबा के एठी के तड़ को फंसो चल बाबा कुछ नौ बोले भला तो बाबा ने कहा कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाता है एमिति भी पिल्ला माने बसुशन जो मैंने टिक्के भी मानू ना तो कोटा मानू ना ते बाबा हमको पाठ पढ़ो चल ये टिक्के पाठ पढ़ो चल बाबा सत्य है हो चल हमको देखना तो बाबा की अच्छी अच्छी सर्विस से बन जिनकी बाबा मनीमा करता है वो भी माया के चंबे में आ जाते हैं भल्ल भल्ल महारथी पिल्ला मान जो पिल्ला मान बाबा मनीमा करते
সে পিলা মানুষ মধ্যে মায়া ছাড়ো, সে মানুষ মধ্যে বস কর দৌড়ছে। তো বাবা কি কুস্তি তো হতি হল, কুস্তি কেমন দেখছো রে? কুস্তি রে জোড়ে লড়িব না দুজন যাকে লড়ে, দুজন যাকে লড়ছ। তো বাবা কি মায়া কি এসে লড়তি হে? আমি বি লড়ুছ তো মায়াকে ছাড়ো, সে বি তার জোর ধরে কি সে লড়ুছে। তো বাবা কি একদম পুরা গিরা গেলি হে, আগে চল তুম বচ্চো কো মালুম পড়তা যায়েগা, মায়া একদম পুরা সুলা দেতি হে। ফির বি বাবা কেতে এক বার জ্ঞান সুনা তো স্বর্গ মে জরুর আয়েগে। বাবা কে মায়া কি দুনিয়া রে মায়া পুরা পিলা বন্ধ আরাম রসবাই দুশ্মন, কিন্তু বাবা কে বল জ্ঞান এতে শ্রেষ্ঠ সত্য আছে। এই জ্ঞান কো শুনিলে টিকে বি সে আত্মা বি স্বর্গ দুনিয়ারে আসে যাব, বাকি পদ তো নেই পা সকে। পদ পৌঁছারে মিলিব নিজের পুরস্কার সমস্যার কলম পেলে জিসনে জো পুরস্কার কিয়া বা পুরস্কার করতে করতে গিরে এসে ভি অভি গিরতে হো ওর চড়তে হো। যে মানে কল্প পূর্বরু যে যেতে কি পুরস্কার করে, যদি পুরস্কার করি করি তলক খসি রবে এবে সেমিতি একা হবে, আউতর খসিবে আউতর উপর কো চড়িবে। হার জিত হতি হে না তো সারা মদা কিসকে উপর হে? পিলা মন্ত্র হার হচ্ছে কেতল জিত হচ্ছে, তাহলে পুরা সাফ কোথে রইলা? বচ্চো কি ইয়াদ কি উপর হে। আমি কেতি কি বাবা কো মনে পকো চলতে সি ইয়াদ র শক্তি দ্বারা মায়া কো বিজয় প্রাপ্ত করে। যদি ইয়াদ নাই মায়া দ্বারা হার একা হব। বচ্চো কো ই অপূর্ব খজানা মিলতা হে, वो तो कितना लाखों का दिवाला मारते है। दुनिया रे लक्ष्य लक्ष्य टकर लॉस होच, किंतु एक ही बाबा रे पिल्ला बन को अखुट संपत्ति मिल जे, जो संपत्ति के बे नष्ट का होवे। कोई लाखों का धनवान बनते शो भी एक जन्म के लिए, और दूसरे जन्म में थोड़े इतना धन रहे। गुटे जन्म रे लक्ष्य लक्ष्य टकर धनवान है, गुटे जन्म में আউটে জন্ম নে মিলিব কি সেটি কি ধন মিলিব? তাহলে আউটে পুরস্কার করে পড়িব। তো বাবা কি কর্ম ভোগ বি ভূত হতা হে, আত্মার যেটা কর্ম তাকে ভোগ রূপে মতো সামনা করছে। তো বাবা কি মা স্বর্গ মে তো কর্ম ভোগ কি বাকি নেই, সবু জায়গা আত্মা হিসাব কিতাব কো যুক্ত কর দল, বর্তমান পুরস্কার তালক তো নেকি যাচ্ছে। तो स्वर्ग रे कुछ कर्म भोग रे कथा नहीं उठ रही। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? आज दुनिया रे गोटे जन्म पे कितने परिश्रम कुछ जमा कर यार, हमें पिल्ला माने 21 जन्म पाई कितने की जमा कर छोंदे ताकि कितने पुरस्कार कर छोंदे। तो बाबा की जो पूरा पुरस्कार करते पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। तो बुद्धि में रहना चाहिए, हम तो बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते। पिला मन को बुद्धि रे रहिबा दरकार, मुझे जे पाठ पढ़िया पे आछे मोर लक्ष्य कोटा रहिबो मुझे स्वर्ग रो संपत्ति मिले जाओ। ये ख्याल भी नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे, चिंतन चर्च चाली पाली दिना नहीं के जाने माया तो फसे दबो के এমনি সংশয় বুদ্ধি যদি বি হয়ে তেমনি বি মায়া কম করিব তাকে টানিকে নিয়ে। তো বাবা কে সবসে জাস্তি গিরে আর ফির তো চরণা কি হে, ব্রহ্মাঙ্কর আত্মা পুরা তলক খসে আউতর উপর কো চড়িবার আছে। অটোমেটিক্যালি পুরস্কার বি হতা হি রেতা হে। তো বাবা সমঝাতে দেখো মায়া কিতনি প্রবল হে। তো বাবা বুঝুছন্তি পিলা মান মায়ের রূপ কেমতে কর, অতি পাওয়ারফুল প্রবল উপরে সামনা করিব। মনুষ্য মে কিতনা অজ্ঞান ভর গয়া হে, অজ্ঞান কে কারণ বাপ কো ভি সর্বব্যাপী কে দেতে। বাবা কে অজ্ঞান কা কারণ রো নিজর পিতা কো মধ্য সর্বব্যাপী কে দেলে। ভারত কিতনা ফার্স্ট ক্লাস থা,
तुम समझते हो हम ऐसे थे अब फिर से बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है परंतु कोई जानते नहीं। अमी विश्व मालिक थे, पुण्यात्मा थे, देवी देवता थे, एवं कि तो पुजारी बने गले। ये सब जगह का रहस्य का को जाना था ना, तो समस्त को ठहरो। अंधकार भीतर तो बाबा की परंतु कोई जानते नहीं। तुम बच्चों के सिवाय तुम ही तो जानते हो कि बेहद का बाबा ज्ञान का सागर आकर हमको पढ़ाता, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। जे बेहद पिता ज्ञान सागर शिव बाबा नीचे पाठ पढ़ाते आश्रम हेले भी माया कौन करछे पिल्ला मन को भीतर संशय आनी दोचे झूठ कपट छोड़ते भी नहीं है। बाबा के एमिति मायर बसीभूत हो चलते निज भीतर मिथ्या को पालुछ झूठ कपट बाबा जो ताकत छाड़ो ना जदि मिथ्या को जदि पाली ले जे बाबा साथ दब के साथ दे देने बाबा तो बाबा के ते सच्चा सच्चा अपना चाक लिखो परंतु देह अभिमान के कारण सच में नहीं बताते। बाबा तो सबका सत्य निजर चाट दियो मुझे भी कितना तो जो प्रकार अटे निजर भूल को बाबा को तो स्वीकार करो हेले भी पिल्ला माने बाबा को जणो ना। तो बाबा ने दे देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते वो भी विकर्म बन जाता है। सच बताना चाहिए ना जदि मिच्छा कहिले बाबा को सत्य सुने ले सेटा भी विकर्म खाता रे चलो छी तो बाबा को सत्य सुनेगा लगता है नहीं तो बहुत सजा खानी पड़े। यदि झूठ कपट रखिले मिच्छा कहिले मिथ्या रो रास्ता रे चलिले बाबा स्थान रे सत्य ही के चलिले तो बाबा के बहुत बड़ा दंड रा भागीदार है। जीव गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है कहते तोबा तोबा हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जब भी जेल को जाओ चल कौन को चल आओ मु भूल कर दियो तब बाहर कसला करे जो भूल को शेम को शेम के आत्मा गर्भ जेल रे दंड को भोग कर छे से समय कौन को छे तोबा तोबा में के तरह काम आओ कर ही देंगे। जैसे किसी को मार मिलती है तो भी ऐसे माफी मांगते हैं काको जो दे मारो मिली हो से समस्या कौन करे क्षमा मांगो छे। सजा मिलने पर भी ऐसे ही करते हैं। अभी तो तुम बच्चे समझते हो कि माया का राज्य कब से शुरू हुआ है पाप करते ही रहते हैं। तो बाबा देखते ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। बाबा देखो जो मतलब पिल्ला माने मीठा मीठा पिल्ला माने मुलायम होना नम्र होना नम्र बाबा का फ्लेक्सिबल माने समस्त तो मिसी के चले बार मीठा बने बार ये सब होचे नरम तो निस्तार है जिद स्वभाव रहे बार निज पत्थर अटल है कि रहे बार निज को स्थापित करे बार प्रमाणित करे बार ये सब निस्तार है का ना कठोरता रहे निस्तार है। तो बाबा की बाबा इतना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। बाबा पीला मान तो करे पूरा नम्र है कि चल जो बाबा के अंदर चल जो हमने ड्रामा का नियम और प्रमा ड्रामा ने क्वेश्चन ना कर कौन पहला टाइम कर ड्रामा ने सब जगह फिक्स कर दे। तो बाबा के कहते हैं जो हुआ ड्रामा की भावी समझाते भी है आगे फिर ऐसा ना हो जोटा बीती गला ड्रामा किंतु आगे को सेमती न हो ताप्रति ध्यान दबा कौन सी डिस्टर्बेंस नहीं कौन सी टकराव नहीं बार बार गोटे कथा को दोहरे बार तार अर्थ गोटे ड्रामा उपरे निश्चय बुद्धि नहीं। तो बाबा की यह बाप दादा दोनों इकट्ठे है दादा की मत अपनी इस पर की मत अपनी है। शिव बाबा भी मत दो चंदे ब्रह्मा बाबा भी मत दो चंदे दिजन जाकर इकट्ठा चंदे समझना चाहिए यह मत कौन देता है।
ଦିଜଯାକ ଶୁଣେଇଲେ ବି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଏ ମତ ଆମକୁ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ବାବା ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ ବାବା କି ତ ମାନି ଚାହିଁ ନା ତାହେଲେ ବାବାର କଥା ମାନିବା ନା ନାହିଁ
माया ऐसी अंगूरी मार दे दे जो वो खुशी नहीं रहती। माया इमिति कुटे बक्सी दो छे ना पूरा बस कर दो छे पिला मात्र खुशी ही गायब हो जाओ छे। फिर चिल्लाते बाबा पता नहीं क्या होता है पिला मने चिल्लो छे बाबा तो रो तो बनी गल रे हेले भी खुशी ना हेले खुशी के छोड़े के ना ला माया छोड़े के नहीं गल। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते कहां कोई अंगूरी ना मारते जे युद्ध का मैदान रे थीबो से तो सावधानी की चले मत के आक्रमण जेते न करियो दो फिर भी जास्ती ताकत वाले जो होते वो क्या करेंगे जाकर अधिक पावर थी वो से कौन करे दूसरों को गिरा देते और फिर दूसरे दिल पर रखते। यह तो माया की लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। से युद्ध समय तो कम समय किंतु अमर जो युद्ध चले छे ये युद्ध लास्ट पर्यंत चले खासे तो युद्ध पर्यंत माया सहित नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। कई बच्चे तो सच नहीं बताते स्थिति ऊपर तो ना हो जदे हम तो खुशी गाय हिल्ली भी बाबा को सब तो सुनो ना मु को कमजोरी रो बसी होते वो माया रो बसी होते इज्जत का बहुत डर है पता नहीं बाबा क्या करेगा। सम्मान को दोनों जन समस्त जाने के लिए कौन हो बाबा को केमिति करेंगे। जब तक सच बताया नहीं तब तक आगे चलना सब बाबा के सत्य को सामना करो। यदि निज सत्य को सुने बने तो मैं आगे को चली पाले मिथ्या तुमको पूरा बुरे दो तो बाबा के अंदर में खटकता रहता है फिर बुद्धि हो जाती। यदि भीतर एक मिच्छा अच्छे तले चोर अच्छे से चोर कौन होगा भीतर निज मनोगता बदान करे से मिथ्या आउरे वृद्धि प्राप्त हो तो बाबा के आप ही सच कभी नहीं बताए कहां दो है तो समझते। यह बाबा को सुनाए तो हम भी सुनाते नीचे नीचे और तुम्हें सत्य कथा सुनो ना। यदि दीजन पार्टनर आश्चर्य से मन भी कौन पूछोगे से सत्य सुने तो मुंह भी सुने दे तो बाबा की माया भी बड़ी दुस्तर है। समझा जाता उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है तो सज्जन से छिपाते भी रहते। जरा भाग्य रे ऊंच पद नहीं से कौन करेगा डॉक्टर पाखरे जीव किंतु निज रोग को लुचेब छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं। निज भीतर कमजोरी मिथ्या जोटा भी अच्छे बाबा सामने सत सत सुने से रोग को भी मुक्त नहीं पाए ताकि जो लुचेब रोग मुक्त नहीं पाए। जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे भूत तो सब में ही है। बाबा ने जितनी की लुचेब से आत्मा और स्थिति तौर को फंसे जो अब प्रत्येक को भीतर बाबा ना दिखे अच्छे बुद्ध सब अच्छे तो जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। जितने पर्यंत हमर कर्मातीत अवस्था ऐसे हुए सत्य पर्यंत विकारी दृष्टि ही छाड़ जति सब भूल कर्म होचे का द्वारा होचे आखि द्वारा का होचे चाहे कामिका हो चाहे क्रोध हो चाहे लोभ हो प्रथम देखला पर तो हो ना तो बाबा की सबसे बड़ा दुश्मन कौन आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु के काम है। कोई गिर पड़ते है तो बाबा तो बार बार समझाता शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना। आज बाबा को जब बाबा बिना कौन से शरीरधारी को मने पके बने वही तो ऐसे पक्के है जो कभी किसी की याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है उनकी कोई बुद्धि नहीं होती है तो मने पतिव्रता नारी माने से मने केवल मुझे स्वामी को ही मने पके आओ का तो मन पके से मने बुद्धि के भी कोई बुद्धि हब से मने आओ के मते हबार छे केवल बाबा को मन पकेवा और कौन से शरीरधारी को मन पकेवा। अच्छा
मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार ओम नमस्ते। धारणा के लिए हाजी बाबा कौन गई है शांति बोल जिनके बाबा को जो मेहनत से बचने का साधन क्या
ये जो पुरुषार्थ रास्ता रे मेहनत रो बचीवर साधन कोटा तो बाबा के मोह पथ में रह जितने बाबा रस स्नेह रे रहिबा परिवार रस स्नेह रे रहिबा सेतिके हम परिश्रम लागिबो मेहनत लागिबो पूरा सीधा रास्ता रे जीव जदि सेटा मिलु नै तले कोठे जाउ छन ने गरीब अंदर जाउ छन ने निज लक्ष्य स्थल रो भटके गा एक बाबा के लौंग में लीन होकर हर कार्य करो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाए। एक बाबा रस स्नेह लीन के प्रत्येक कर्म करो तला किछे में देखा जीव सब जगह आकर्षण रो मुक्त हे जीव। जदि बाबा को जदि स्नेह कमी गला तले सब जगह आकर्षण रे आत्मा फसि जाछ। आज स्लोगान होचे अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। निजर भाग्यशाली स्थिति रो अनुभूति आबे केमती करेबा चेहरा और चाली चलन द्वारा करे करे तले भाग्यशाली केमती हबा खुश नसीबी रो अनुभूति का हबो जे निज सर्वस्व सफल होचे निजर समय को निजर संकल्प को निजर प्रत्येक खजना को जे समर्थन यूज करिवो सफल करिवो सेही भाग्यशाली हे परिवो असे भाग्यशाली रो अनुभूति तार चेहरा द्वारा तार चाली चलन द्वारा हो। आज रो समान होचे मे सर्व आकर्षण मुक्त काल रो समान कोन थिला तो प्रैक्टिस कर छो कला समान कर बुझे रे सर कौन है लाइट हाउस प्रिंस आज जो समान होचे वो सब जगह आकर्षण मुक्त ते तो लेके दिबा बाबा प्रति स्नेह रे स्नेह रो सागर बाबा भीतरे अर्जी प्रत्येक कर्म कर साथिला संतोष फादर मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो तब बाबा का शो कर सके। हमें सब जगह पिता मन लिमिटेशन का को प्रत्यक्ष कर आते हैं बाबा को प्रत्यक्ष कर आते हैं तो मनमत को छाड़ के श्रीमत प्रमाण जो दे चलेगा तभी बाबा प्रत्यक्ष हो। हम व्यक्ति साला आज का पॉइंट होचे सेवा में सफलता का मुख्य साधन त्याग और तपस्या। कौन से भी कार्य हो चाहे बाबा का सेवा भी हो सेतरे सफलता का मुख्य साधन कोटा अमर त्याग और तपस्या। त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाबा की लगन में लवलीन और प्रेम के सागर में समाये हुए ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाई हुए को कहेंगे तपस्वी। तपस्वी बाबा का भी भोजन है सब बड़े बाबा का स्नेह रे जो मन लवली नाथ प्रेम सागर रे समेव वाला आत्मा ज्ञान आनंद सुख शांति से सागर भीतर लीन हवा वाला आत्मा से मन होचंदे तपस्वी आत्मा माने वैसे त्यागी तपस्वी बच्चे सदा अपने समय संकल्प समग्र संपर्क सब सफल करते सफलता की मूर्त बनते हैं। जो मैंने इतनी तरह त्यागी तपस्वी पिला हूँ निजे निजे समय को संकल्प को समग्र संपर्क को सब जिन सब सफल पुरुषों ने जो मैंने ये सफलता का मूर्त है पर ओम शांति।